फ्रांस और भारत की नई डील से बिफर गया रूस। अब रूस ने चीन के साथ कर दिया एक बड़ा खेल। पुतिन का ये फैसला पड़ सकता है भारत को भारी। अब रूस विश्व का सबसे भयानक अस्त्र देगा चीन को। इतिहास में रूस ने किसी भी देश को नहीं दी ये तकनीक। दोस्तों, जैसे कि कुछ समय पहले ही ये अनाउंस हुआ था कि अमेरिका ने ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर एक तगड़े समझौते को अंजाम दिया है, जिसका नाम है ऑकस। ये एक ऐसी डील है जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। इसके आगे तालिबानी युद्ध भी अब फीका नजर आने लगा है। पहले क्वाड और अब ऑकस, इन दोनों संगठनों का एक ही मकसद है, चीन को समुद्र के रास्ते चुनौती देना। चीन दुनिया का सबसे बेशर्म देश है। कोरोना जैसा बायोलॉजिकल हथियार से लाखों लोगों की जान लेने वाला देश चीन ऐसे सुधरने वाला नहीं है। हिंद महासागर के रास्ते चीन अपने देश से लगते सभी देशों को काउंटर करना चाहता है, वो भी बेवजह और जबरदस्ती। इसीलिए भारत को भी चीन के खिलाफ इन देशों की मदद लेनी पड़ी। ऑकस संगठन का मेन मकसद है ऑस्ट्रेलिया को 8 ऐसे न्यूक्लियर पनडुब्बियां और क्रूज मिसाइलें देना जो चीन को साधने के लिए पर्याप्त हो, जो चीन पर परमाणु हमला करने में सक्षम हो। भारत के पास परमाणु हमला करने वाली ऐसी पनडुब्बियां पहले से हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जैसे देश को न्यूक्लियर पनडुब्बियां मिलने का मतलब है चीन को सबसे बड़ा खतरा। एक तरह से भारत चीन का सपना तोड़ रहा है, क्योंकि समुद्र में चीनी षड्यंत्र को जवाब देने एक दो नहीं बल्कि पूरी 8 परमाणु हमला करने वाली पनडुब्बियां तैनात की जाएंगी। यानी ऑकस डील क्वाड की तरह ही काम करेगी, लेकिन भारत ऑकस का हिस्सा नहीं है। इस डील में एक और सबसे खास बात हुई है। इससे भारत को एक ऐसा फायदा हुआ है जिसके लिए भारत कई सालों से इंतजार कर रहा था। दरअसल इस डील से नाराज होकर फ्रांस ने भारत के साथ एक बड़ी डील साइन कर ली है, और ये डील वही डील है जिसका भारत सालों से इंतजार कर रहा था। फ्रांस ने भारत को SSN तकनीक वाली परमाणु पनडुब्बी सौंपने का ऐलान कर दिया है। यानी भारत समुद्र में चीन से भी ज्यादा ताकतवर बनने वाला है। इस तकनीक से जो हथियार बनाया जाएगा जिसकी एक ही वार युद्ध खत्म कर देगा। लेकिन दोस्तों, आज रूस से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने भारत को चौंका दिया है। भारत और फ्रांस की इस बड़े ऐलान के बाद रूस ने चीन के लिए जो ऐलान किया है उसने भारत की टेंशन बढ़ा दी है। दोस्तों, अगर अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के ऑकस संगठन और भारत फ्रांस की डील से नाराज होकर रूस ने चीन को ये तकनीक दे दी तो भारत के समुद्री हिस्से पर चीन का कब्जा हो जाएगा। हम आपको पूरी खबर बताएंगे, साथ ही ये भी बताएंगे कि रूस ने चीन से ऐसी कौन सी नई डील करने की जरूरत की है, और इस डील में रूस को इतिहास में पहली बार ऐसी कौन सी तकनीक देगा जिससे भारत को इतना बड़ा खतरा पैदा हो गया है। ये सारी बातें हम आपको आगे वीडियो में बताने वाले हैं, तो वीडियो पर लगातार बने रहिए। SSN तकनीक वाली सबमरीन का भौकाल, रूस ने उठा लिया इतिहास में पहली बार ऐसा कदम। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि भारत फ्रांस से कौन सी तकनीक हासिल कर रहा है। भारत के पास 2016 से परमाणु पनडुब्बियां हैं। भारत ने 2016 में INS अरिहंत को चालू किया था, लेकिन भारत की अरिहंत एक परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है, यानी SSBN तकनीक से लैस पनडुब्बी। लेकिन भारत को चाहिए SSN से लैस पनडुब्बियां जो बेहद शक्तिशाली हैं। इस तकनीक को देने से अमेरिका ने भारत को मना कर दिया था। भारतीय नौसेना के टॉप अधिकारियों और नौसेना के दिग्गजों ने न्यूक्लियर रिएक्टर प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी पर साफ कहा था कि वो भारत को ऐसी कोई तकनीक नहीं देने वाला है। अमेरिका ने ये बात ऑस्ट्रेलिया में हुई Track 2 चर्चा के दौरान कही थी। तब भारत को काफी निराशा हुई थी। अमेरिका सबसे अधिक जटिल न्यूक्लियर रिएक्टर का इस्तेमाल करता है और भारत न्यूक्लियर रिएक्टर से लैस SSN का निर्माण करना चाहता है। अमेरिका से जब भारत ने ये तकनीक मांगी तो अमेरिकी प्रशासन ने कहा कि भारत हमसे वह तकनीक मांग रहा है जिसे हमने अपने सबसे करीबी सहयोगी ब्रिटेन को भी नहीं देते। लेकिन अब फ्रांस भारत को ये तकनीक देने को राजी हो गया है। दोस्तों, SSN तकनीक के बारे में आप पहले के वीडियोज में जान चुके हैं। अब आपको बताते हैं कि रूस भारत की इस डील से खफा क्यों हो गया और क्यों वो इतिहास में पहली बार वो कदम उठा रहा है जो रूस ने आज तक नहीं उठाया। दोस्तों, रूस ने आज तक किसी भी देश को सबमरीन तकनीक नहीं दी है। रूस की यह तकनीक दुनिया में सबसे अच्छी मानी जाती है और चीन इससे काफी पीछे है। रूस ने अभी तक अपनी परमाणु सबमरीन को केवल भारत को लीज पर दिया है।
भारतीय नौसेना 1987 से इसका इस्तेमाल कर रही है। अगर रूस परमाणु सबमरीन को बेचना शुरू करता है तो उसके पास खरीदने वालों की लाइन लगना तय है, लेकिन रूस का मन पलट गया है। रूस अब चीन को यह तकनीक दे सकता है। दोस्तों, रूस ने यह तकनीक चीन जैसे देशों को देने का क्यों फैसला किया और इस फैसले के पीछे ऑकस संगठन किस प्रकार जिम्मेदार है, इसे हम आगे वीडियो में बता रहे हैं, तो वीडियो पर बने रहिए। ऑकस संगठन से बिफरा हुआ है रूस, अब पुतिन ने उठाया हिला देने वाला कदम। ऑकस संगठन में अमेरिका अब ऑस्ट्रेलिया को परमाणु पनडुब्बी और क्रूज मिसाइल देने जा रहा है। वहीं ब्रिटेन परमाणु हथियारों से लैस अपनी पनडुब्बियों के लिए ऑस्ट्रेलिया में ठिकाना बनाने जा रहा है। इस ऐलान के बाद चीन बौखला गया है, तो रूस ने ऑस्ट्रेलिया डील पर चीन के सुर में सुर मिलाते हुए परमाणु अप्रसार की चिंता जताई। उन्होंने यह भी कहा कि इलाके में हथियार की रेस शुरू हो सकती है। रूस के इस रुख के बीच ऑस्ट्रेलिया के अमेरिका में पूर्व राजदूत जो हॉकी ने खुलकर कहा कि ऑकस न केवल हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती ताकत पर लगाम लगाएगा बल्कि रूस पर भी नकेल कसेगा, इस बयान के बाद ही पुतिन भड़के हुए हैं। इस बयान के बाद रूस के सुरक्षा परिषद के सचिव निकोलाई पात्रुशेव ने इस ऑकस डील को एशियाई नाटो का एक प्रोटोटाइप करार दे दिया। अब रूस और चीन की ओर बढ़ रहे इस खतरे को जवाब देने के लिए चीन और रूस ने हाथ मिलाया है। वहीं ऑस्ट्रेलियाई परमाणु पनडुब्बियां रूस के साइबेरियाई इलाके में निगरानी बढ़ा सकती है और रूसी जमीन उनके हमले के दायरे में आ जाएगी। ऐसे अब परमाणु सुपर पावर रूस को अपनी रणनीतिक प्लानिंग करते समय ऑस्ट्रेलिया के फैक्टर को भी ध्यान में रखना होगा। वहीं चीन और रूस के मिलने का एक कारण भारत और फ्रांस के बीच होने वाली न्यूक्लियर सबमरीन डील भी है, जिसको लेकर रूस ने अब ये ऐलान किया है कि रूस अपनी परमाणु सबमरीन तकनीक को हिंद प्रशांत क्षेत्र के उन देशों को बेचने के लिए बेच सकता है जो इसको लेने के इच्छुक हैं। ऐसे देशों में रूस ने सबसे पहले चीन को ही चुना है। ऐतिहासिक रूप से रूस ने आज तक अपनी पनडुब्बियों की तकनीक को किसी भी देश के साथ शेयर नहीं किया है, भारत के साथ भी नहीं। भारत ने तो खुद रूस से एक न्यूक्लियर पनडुब्बी को लीज पर लिया है और भारतीय नौसेना 1987 से इसका इस्तेमाल कर रही है। अगर रूस परमाणु सबमरीन को बेचना शुरू करता है तो उसके पास खरीदने वाले देशों की लाइन लग जाएगी। हालांकि अभी वो सिर्फ चीन को ही ये तकनीक देगा। रूस का ये फैसला बन जाएगा भारत के लिए बड़ा खतरा। रूस और चीन के बीच नौसैनिक सहयोग बढ़ रहा है और अगर रूस का अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से तनाव बढ़ता है तो राष्ट्रपति पुतिन चीन को अपनी परमाणु पनडुब्बी दे सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो चीन की परमाणु ताकत बहुत बढ़ जाएगी और वह पूरी दुनिया में कहीं भी अपनी परमाणु सबमरीन को भेजने में सफल हो जाएगा। यह भारत के लिए भी खतरनाक होगा क्योंकि चीनी ड्रैगन की नजर हिंद महासागर पर है। चीन हिंद महासागर पर भी राज करना चाहता है और इसलिए वह पाकिस्तान के ग्वादर में नेवल बेस बना रहा है। भारत को इस बात का डर सता रहा है कि रूस अब चीन को अत्याधुनिक परमाणु पनडुब्बी मुहैया करा सकता है। रूस अगर ऐसा करता है तो हिंद महासागर में भारत की मुसीबत कई गुना बढ़ जाएगी। खैर दोस्तों, इस समय चीन और भारत के बीच तनाव काफी हद तक बढ़ चुका है। ऐसे में अब रूस ने भी चीन को पहली बार सबमरीन तकनीक सौंपने का ऐलान कर दिया है। ऐसे में क्या आप ये मान सकते हैं कि भारत चीन के बीच जंग होती है तो रूस भारत का नहीं बल्कि चीन का ही साथ देगा? रूस के राष्ट्रपति पुतिन के दिमाग में आखिर क्या चल रहा है, इस संबंध में अगर आप अधिक जानकारी रखते हैं तो कमेंट जरूर करें।